जाता था तो कुछ भी नहीं कर सकता, चुप बोलता हूँ समझा था, चुप पैसे लेने बैठा समझा था तू मेरे सर का किसे पैसे नहीं लेता ना मैं फ्री में करता ना अल्लाह करम से पैसे खाने वाला है बोल रहे थे सब लोग इसलिए मैं भी समझा था ऐसा झूठ बोल रहे ना 10-15 हज़ार रुपए ले को करता क्या वो साहेब अच्छा नहीं है बोल को बोल रहे थे साहेब मुझे माफ कर दे मेरे को मालूम है जकड़ो उसको और दे जकड़ो पैसे कहाँ लेता मैं दुकान से सामान लाने का ना जाके उत्ते का उत्ता ना लायक मैं ऐसा डाल रहा था उनको ऐसा दिलों में उनके इधर नहीं लाना बोल को मेरे को अच्छा तू डाल रहा था वो दिल में उनके बात हाँ भी बोल रहे थे सच उधर नक्को जो इसके मर्द को बोल रहे थे उधर नक्को जो तुम गरीब आदमी उतने पैसे कहाँ से देते हैं बिल्कुल दो तीन बार गए गया कि देखो फिर भी सच है अंदर बोल रहे थे झगड़ो उसको और तेज झगड़ो आन नहीं दे रहा था इधर पैसे लेते बोल के सोच के पैसा बोल के नहीं आन दे रहा था नाला झूठ बोल रहा था वो क्या कर रहा था छुरे अंदर आते फेंक के मार रहा था इसके बच्चे आपको मारना बोला था जान से बच्चे तो छोटे बच्चे मेरे लोग लोग क्या गलत रहा रहा जो वो मार लकड़ी से मार रहा बंद करके कितने दिन हुए तू वापस आके मैं आके पहले निकाला था मैं तेरे को नालायक हुक्म दिया था चल जा कितना टाइम हो रहा वापस आके जल्दी बोल एक महीना डेढ़ महीना से चिरागा जले तक मैं नहीं आता फिर सुबह मैं आता हूँ अच्छा चिरागा जलाने में क्या करता नहीं क्या बहुत 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 रोता था बहुत मार पड़ती है देख मेरे हाथ आप सपने तक छोड़ दे जोर से बोल छोड़ दे साहब जोर से बोल छोड़ दे साहब और जोर से लगा पूरी ताकत खुलते क्या देखो लगा पूरी ताकत अगर तुम बोले तो छोड़ते जकड़ो उसके हाथों को और तेज जकड़ो झगड़ लो तेजी से झगड़ो उसको और तेजी से कैसा जुलूम दे रहा हूँ उसके घर को जाके और वैसे झूठे बाता भी कर रहा वैसे कि नक्को जाओ साहब का नहीं पैसे लेते साहब बोल रहा कमी ने किसे लिए रे पैसे ना लाए झूठ बोलता मारो उसको और मारते रहो मारो उसको झगड़ो उसको तेज झगड़ो और क्या बोल रहा था यहाँ नक्को दूसरे तरफ जाएंगे जालना कहीं को लेके जा रहा था इनको अच्छा उधर झूठ बोल के लिए जा रहा था मैं पहचान लिया तू कर सकता बोलो तू इधर के रास्ते को नहीं आन दे रहा था लोगों को क्या करो था झगड़े करा था रोज झगड़ा करा ये साहब अच्छे नहीं है वहाँ जाएंगे ये साहब झूठ बोलता मेरे को डर लग रहा था यहाँ आने का और मेरे को क्या करे काम करने जल्दी डेढ़ दस मिनट हुआ था ये मार मारी करना चाकू फेंक के मारना और मेरे खिलाफ भड़का रहा था नालायक तू मेरे को निकालने वाला है पर मैं भड़का रहा था साहब तो भड़का रहा था निकालना मैं निकालना नहीं बोल के मैं अंदर ही रहना बोल को इसको भी लेके जाना मेरे साथ बोल को अच्छा इधर के रास्ते को नहीं आन दे रहा था उनको मेरी शादी ने भी क्या ने भी क्या क्या बोल रहा था मेरी क्या क्या बुराई कर रहा था तू बस साहेब अच्छा नहीं है हाँ। खाली पैसे लेता 10,000-20,000 कोई तो साहेब उतना पैसा लेता क्या वो खाने वाला दिख रहा खाली उसको क्या आता मालूम उसे इलाज कुछ भी नहीं आता चुप खाने वाला है वो पैसे लूट रहा वो खाली ऐसा कुछ तो भी कम हुआ के देख तेरे जोड़ी को कुछ तो भी कम हुआ जैसा के वैसा है ना बोल रहा था ऐसा बोल रहा था मेरे खिलाफ ना लाख मैंने लिया रे किससे पैसे झगड़ो उसके हाथों को तेज झगड़ो नहीं साहब अब मेरे को मालूम हुआ देखा एक रुपया नहीं लेता मैं किससे ना लाख मालूम हुआ था पूरा मालूम हुआ देख लिया ना आप ताकत अल्लाह करम से झगड़ो उसके हाथों को और तेज झगड़ो छल डाल रहा था उनके इसमें ना लाख झूठ बोल के इधर के रास्ते को नहीं आन दे रहा था अब आई मदा जो जितना तुम्हारे पैसे लिए पैसे ही पैसा मांगे नहीं खाली हमारे हम रोटी में डाल दो मैं बोल रहा था लंगर में डाले इनको अभी पैसे मांगे नहीं हमसे
मगर इन्हें कैसे झूठ बात कर रहा है। नंबर नंबर छोड़ कर मना कर गया, जहाँ पे कम होता वो अच्छा नहीं बोले था, जहाँ नहीं होता कम वहाँ चलो बोलता। मारो उसको, झगड़ो उसको, तेजी झगड़ो और तेजी झगड़ो, झगड़ो उसको और तेजी से। अल्लाह के बंदों को जुलूम दे रहा और नालायक अल्लाह से रहम की उम्मीद कर रहा, जालिम तूने रहम करो बच्ची के ऊपर नहीं रहम करा। फिर ला या रहमुल्लाह उमल्ला या रहमुन्नास, जो अल्लाह के बंदों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। बोल अब ला या रहमुल्लाह उमल्ला या रहमुन्नास, तर्जुमा अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। बता तेरे पे कैसा अल्लाह रहम करेगा ना लायक, तू जुलूम दे रहा ना उसको। झगड़ो उसके हाथों को और तेजी झगड़ो, माफ कर दे साहब, झगड़ लो और तेजी झगड़ो। मैं बोल रहा हूँ साहब, गलती भी बोलो, झगड़ो उसके हाथ तोड़ देंगे, झगड़ो उसके हाथों तेज। बहुत बुराया कर रहा था तू मेरा, क्या नहीं करता तो करता। क्या करना तेरे बारे में, इधर के रास्ते को भी नहीं आने दे रहा था तू उसको, एक मौका दिया था ना मैं एक बच्चे को भागने का, फिर भी मैं तू नहीं पहचानता समझो, मैं कैसा नहीं पहचानता। झगड़ो उसको और तेज झगड़ लो, झगड़ो बस बहुत साहब के पास गया रे मैं, अलन गया, पूरा बंदा नवाज के पास गया, अरवली के पास गया, और तेजी से छोड़ दे वो बच्ची को, आईना दोबारा अभी छोड़ो मत उसको, झगड़े के रखो उसको, तेजी झगड़ो, भागने मत दो उसको, ना लाए आपको पीठ पकड़ो पड़ता पड़ो पड़ता छोड़ दे साहब, झगड़ो उसको और तेजी झगड़ो, इधर के रास्ते को नहीं था उन दूसरी चक्कर को लोगों को बेवकूफ बना के फेंका रहा था उधर का उधर, झगड़ो उसको और तेजी झगड़ो, क्या करने वाला था उसके बच्चों को मार रहा था, कब मारने वाला था, रोज मारना वाला था, थोड़ा 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 करके गला, छोटे बच्चे का और मैं इधर मुझे क्या करना, ये ढकला भाड़ ढकला अंदर कुंडी मारा को मार दन दन और गले का मार था बच्चों के, झगड़ लो वो हाथों को और तेज झगड़ो, तू जो बोला ना मेरे को हाथ तोड़ दो मैं तेरे, तू बगैर हाथों के रहता अंदर कब तोड़ने लगा देता हूं, नहीं नहीं तू जो बोला ना मेरे को तोड़ दो हाथ बगैर हाथों के रहता, नहीं झगड़ो वो हाथों को और तेज झगड़ो, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जिंदे आदमी के सामने मरा सा आदमी की कुछ हिम्मत नहीं है। मरो सा आदमी बन के तू अभी तक 556 साहिबों को उल्लू बना दिया, वैसा यहाँ पे भी समझा था रे, यहाँ भी उल्लू बनाने का आया था तेरे को, फिर अब आई मजा, अब क्या बन गया, कैदी बन गया, उल्लू बनाने आ रहा था रे, हाँ। बना है ना कैदी अब तेको, छोड़ता क्या, नहीं छोड़ता, बोल मेरे को नहीं छोड़ते, झगड़ो उसको और तेजी झगड़ लो, झगड़ो
झगड़ो उसको, बताओ जरा उसको क्या था कलाम किया और झगड़ो उसको तेजी से। मेरी अम्मा भी अल्लाह का कलाम ही पढ़ाती बच्चों को। छोड़ा मत उसको, अभी छोड़ने का हुक्म नहीं दिया। मेरी माँ भी बच्चों को पढ़ाती अल्लाह का कलाम। अब तो ऐसे मन माने दूसरे साहिबों के जैसे समझा था मेरे को। पाखंडी बहुत है उधर। वैसे समझा था क्या? उसके पैसे बहुत बर्बाद करा मैं। कितने बर्बाद करा है? बहुत। कितने लाख करा अभी तक बर्बाद? एक हिसाब, एक हिसाब, एक हिसाब भी रहा मैं। पूरा सोना गया, चांदी गया, सब कुछ गया। चिल्ले चिल्ले पूरा हिसाब नहीं लाना नहीं। पूरा मिला के कितना हो रहा हो कैलकुलेशन तब ही का? पूरा कैलकुलेशन मिला के हमने अल्लाह ने बचा लिया ना वो बंदा। नमाज है उनके गांव में एक दरगाह। मेरे गांव में मेरा गांव भी वही है। फिर बंदा नमाज रहे बंदा नमाज देश दराज में रास्ता बदल रहे तेरा। कौन भेजे यहाँ पे? बंदा नमाज देश दराज रे। कौन भेजे? जोर से बोल। बंदा नमाज देश दराज भेजे। बंदा नमाज रहे बंदा नमाज देश दराज भेजे यहाँ मेरे को तेरे पास। माँ के लिए तेरे दरगाह आपसे मैं दिवाली भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे को। ऐसा क्या हो रहा है? बाहर का भी नहीं है साहब, कुछ भी नहीं है, फिर भी ऐसा कहीं को रहा बाबा। बिल्कुल रोते बैठी थी जरा, रोते बैठी थी डब्बे बरात में। दोनों भेजे रास्ता बद गए। बंदा नमाज रहमतुल्लाह अलैह यहाँ भेजे तेरे पास बैठे। अल्लाह करम चाहिए, मजा तेरी नाल आया, बहुत मजे ले रहा था सबके। तो झगड़ो उसके हाथों का और तेजी से। इसके हाथ से मेरे को मार दिए रहते जी। अभी मैं नहीं मरना चाहता था। नमाज पढ़ने के बाद ख्याल आया था। नहीं नमाज पढ़ने के बाद में इनको ख्याल में ख्याल आया। बहन इनकी बहन की बहन है कमीनी, बोली फोन 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 में है वो कमीनी। तो उनके उनके वो चल रहा है, वो खुद चैप्टर है, दिमाग में आया वो चैप्टर है वो कमीनी। इसे बह दिया उससे भी स्टार्ट में। मैं एड्रेस निकाला उसका मर्द। साहब अच्छा है देख, कैसे कैसे पुराने भी जाती है उसके पास। बिल्कुल रहा कमीनी ले गई मेरे को। नहीं तो ये दीवाना नहीं लगता था मेरे को। ये दीवाना आदमी है इसका। कब ले जाने वाला था? 15 दिन महीना पहले ही करूँ मैं। एक महीना 15 दिन बहुत हुआ। उसका खाना बंद कर दिया था, पीना जीना हराम कर दिया था मैं, जीना हराम कर दिया था मैं। एक मौका दिया था ना मंते को बच के भागने का। कितनी तकलीफ जरा था मैं, उन्होंने खुदकुशी कर लेना औरत। इससे पहले दिया था नहीं दिया था मंते को बचने का मौका? जब से मैंने कर रहा था डरते डरते कर रहा था, डरते डरते। कितने महीनों के बाद आया वापस? अभी एक हफ्ते से ज्यादा कर रहा हूं। 40 दिन के बाद आया मैं। उससे पहले डर थोड़ा थोड़ा सता रहा था, थोड़ा थोड़ा। जब से वो बड़ा हो रहा हूं घर पर मैं डेली उठो डेली उठो बने बने होते होते बड़ा पड़े थे बराबर। देख लिया मैं थोड़ा थोड़ा प्रेशर कर रहा था हल्लू 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 के अंदर। अब उनके घर में लगाने लगो मेरी फोटो। फोटो लगाने लगो मेरी तस्वीर उनके घर में। बड़ी करके एक लगाओ उसको, धन के देते रहते उसको देख देख के आके बत्ती में कितनी बंद। लगाने लगो बोल। लैपटॉप निकालने आता है? लैपटॉप में उसके बच्चे बोलते थे घड़ी घड़ी लैपटॉप में निकालने आता है। टीपू सुल्तान निकालने क्या है? टीपू सुल्तान खा ले गया था उसको आके फोटो देखा कि उसके अंदर अंगार लगती है उसके अंदर। और लगाने लगा उसे घर में मेरी फोटो। इसके बच्चे बार बार एज बोलते थे
टीकू सुल्तान के पास गया तो साहब बोले वो बोलते थे बार बार इसलिए मारा था मैं उनको। अच्छा बच्चे इसको ब्लैकमेल कर रहे थे तुम्हारे बच्चे। अब टीकू सुल्तान के पास जाना कहा तेरे को बार बार इसके बच्चे बोल रहे थे छोटे छोटे बच्चे गला दबा को मारने वाला था। छोटे बच्चे कितने साल के? 5 साल के 7 साल के? ए फोटो ना खुले देख मेरे दिखरू मैं आते भी झगड़ो उसको और झगड़ो तेजी झगड़ो उसके साथ छोड़ो मत। अब वहां लगा दूं तेरे घर में मेरी फोटो बड़ी झगड़ो उसके हाथ को तेजी झगड़ो। मैं खाली अल्लाह रसूल को मानता था ये साहिबा पिया को नहीं मानता था मैं बेशक अल्लाह रसूल को मानने मेरे को सिखाई ने नसीहत नहीं थी मेरे को ये छूट रहे कितने मेरे हाथा झगड़ो और तेज झगड़ो उसके हाथों को तेरा कौन तो छुड़वा हाथ में झगड़ो और तेज झगड़ो नाला पिछड़ गद्दी से झगड़ो उसके हाथों को और तेजी से झगड़ो और झगड़ो उखाड़ देंगे लगा पूरी ताकत कितनी तेरी तो लगा खुलते का देख वो लगा रे पूरी ताकत लगा ऐसे बुड्ढे बुड्ढे के पास लेकर आता था राड का ये साहिबा अगली वो कार्ड को थे अगर अच्छे थे वो बाप बेचारे तेरे सर के बदमाश ने थे देखा ना कैसी मार पड़ी तो आई अक्कल ठिकाने हाँ वैसे साहिब को किधर समझा रहे मेरे को भंगरे भांगरों को जैसे समझा था बुड्ढे बुड्ढे दुआ पढ़ रहे थे हकाल रहे थे खाली बुड्ढों को बिचारों की उम्र हो गया उनको ज्यादा दुआज पढ़ने आता विरासत में और खुदा की तरफ से कुछ मिला नहीं ना उनको वे को कुदरत की तरफ से मौत ज्यादा मिला है ना झगड़ो उसको और तेजी झगड़ो बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने भेजे ना तेरे को यहाँ पे फिर कौन भेजा उनकी करामत से उनको डर को मैं जाना पड़ रहा हूँ मेरे को ऐसा झगड़ो और झगड़ो बंदा नवाज बोलो मेरे को माफ कर दे बोलो अब मैं यहाँ से जाऊंगा चले जाऊंगा छोड़ दे बोलो सर बता नवाज झगड़ो उसको और झगड़ो में भी छोड़ने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह करम से और तीस झगड़ो उसको उन्हें जुल्म दे रहा हूँ इंसानियत को बस कैसा उसको छोड़ दे झगड़ो तेजी से ताले के बाहर ड्राइव करके समझाता मैं बराबर करो समझ को आया था बुरे हालात के पास बोले मेरे को क्या मालूम था क्या समझ के आया था ऐसी ऐसी औरत होंगी जाहिर गवार होंगी समझ के आया था कौन सी औरत जो अब मैं अंदर हूँ उसकी आग में। अच्छा ये औरत ऐसी से समझ के तो आ गया ऐसी ऐसी होंगी समझ के मामूली समझ के आया था कोई भी इंसान को लगूंगा तो तेरे को तो लेके जाएंगे ना ना लाया दरगाह पे हाँ उस सब दरगाह दरगाह भटक रही हूँ कितने दरगाह भटकाया अभी तक बहुत बेहिसाब अब दरगाह वाले बुजुर्गों ने अल्लाह की फजल से यहाँ भेज दिए ना छोटे से लेकर बड़े तक आप क्या करूं तेरे साथ सैला ने बाबा की फोटो दी क्या क्या तुझे दी घर पे लगाने घर पे भी नहीं बैठ सक रहा मैं वहाँ पे भी गाता तू सैला ने बाबा के पास अरे मैं एक साहब बुला था मैंने जो सैला ने बाबा का जो बुला था बेटा रुको बाबा वहाँ पे गया मैं उनका फोटो लेकर रोती थी ना उन्होंने भी मेरे को रास्ता दिखाया उसके दिमाग में डाले उन्होंने भी यहाँ भेजे सैर चिराग लगाती थी ना रोज देखा कैसा अल्लाह कलाम की ताकत तो मैं नहीं मानता था ना बलियों को बलियों को नहीं मानने वाले साहब का था तू मानता था मगर रखता यकीन नहीं रखता था। अच्छा बलियों की ताकत नहीं समझता था तू ऐसा समझता था जैसा मुर्दार तू बन के फिर रहा हूँ मुर्दार समझता था मुर्दार झगड़ो उसको और तेज झगड़ो मुर्दार कमबख्त उनको मुर्दार समझ रहा था रे जिंदा है वो अल्लाह के फजल करम से उनको मुर्दा कहने वालों की अक्ल मुर्दा है अल्लाह के वलियों को मारे ना तिकू मार के भेजे ना यहाँ पे मार दे मैं इसको ही बोलता था नकुजा वलिया के पास उन्हें क्या करती मेरे को इनके आकर था उनके आकर था कौसे वली क्या भी करते तू खुद बीमार है बताता मैं झगड़ो उसको और तेज झगड़ो उन्हें और आया डबल से इसके आंग में उसको मारते रहो कैसा उन्हें आया क्यों आया उन्हें डबल से क्यों आया तू उसके आंग में
तूने दुनिया में रह के जुल्म करा, अल्लाह ने तेरे क्या बोलते तो वक्त से पहले तेरे आमाल ने तुझे उठा लिया दुनिया से, अल्लाह किसी को जुल्म नहीं करता। एक महीना की शादी होने के बाद मर जाता तो मैं नहीं इतना आता था, आग में घुसता नहीं था। झगड़ो उसको और तेजी झगड़ो, लड़कियां बहुत पसंद थे मेरे को। अब भाई मजा आप तेरी, मारो उसको और मारो। बहुत पसंद थे लड़कियां। अच्छा कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करा तुमने? बहुत बेहिसाब। अरे साहब देखना उनको, छोड़ना, चोरी के पैसे लाना देना लिख जाना छोड़ देना, उनको खराब करके छोड़ देना, ये काम था मेरा। अचानक इनमें आ गई, इसकी आग में घुस गया, मेरा अच्छा मौका मिल गया। मार पड़ी, ये औरत तो आखिरी डरपोक है। मार पड़ रही ना भाई, मजा भाई टकला है क्या साहब? बाला भी काट दिए थे मेरे, पूरे सब मार के काट रहे तेरे, सब काट रहे बाला पीना सब तेरे भस्म करा। अब तो छोड़ता ही नहीं, तब बिठाता करो और जकड़ो उसको, जकड़ो तेजी जकड़ो, लगा ताकत तेरी, खोल सकता क्या? खोल के देख। नहीं साहब। लगा रे पूरी ताकत लगा, लगा कैमरा में देख ले, पीछे हटके लगान ना आला, झगड़ो उसके हाथों को तेजी से, झगड़ लो छोड़ो मत, झगड़ो तेजी झगड़ो, झगड़ो और तेजी झगड़ो, हाथ खोल, एक भी बात मत करो बीच में, झगड़ो उसको और तेजी झगड़ो, झगड़ो और तेजी झगड़ो, झगड़ो झगड़ो और तेजी झगड़ो। झगड़ो 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 उसके हाथों को छोड़ो मत, तेजी से झगड़ो, झगड़ो उसको तेजी से, बताओ उसको क्या औकात है उसकी, तो अल्लाह करम से झगड़ो उसको और तेजी से। नको अल्लाह, नको अल्लाह माफ कर दे अल्लाह, देख लिया मैं तेरा अज़ाब, माफ कर दे अल्लाह, झगड़ो उसको और तेजी से झगड़ो अल्लाह। लगा रे पूरी ताकत लगा, झगड़ो उसको और तेजी झगड़ो, छोड़ो मत उसको, तोड़ दूं आता हां, तोड़ू क्या? नको सर माफ कर दे, झगड़ो और तेजी से, पांव काला पपड़ तू, नहीं नहीं अल्लाह के, अल्लाह के पपड़ मेरे पे पपड़, झगड़ो उसको और तेजी से, तो अल्लाह का नेक बंदा है, झगड़ो और तेजी से, झगड़ो उसको, छोड़ो मत उसको, झगड़ो, बुरा इल्म नहीं करता, अल्लाह का कलाम की ताकत है, देखा ना जादू टोने का काम नको कर दे तू भी, अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है, झगड़ो उसको और तेजी झगड़ो, मेरे हाथ में कहीं घूम रहे, झगड़ो उसको और तेजी झगड़ो, झगड़ो झगड़ो और तेजी झगड़ो, मैं क्या करूं बोल, तू मेरे हाथ छोड़ने का, तू मैं क्या करूं बोल, नहीं छोड़ने का हुकुम ही दे देता मैं, झगड़ो उसको और तेजी झगड़ो, लगा तेरी पूरी ताकत लगा के देख, खुल मैं नहीं सर पटक ले को जान दे तू ना, अरे तू तो मर गया वाला है बोल सर, ये बड़े-बड़े बातें कर रहा, फिर कैसे मरता तू, पूरा मर जा तू, मैं अंदर से जिंदा था, मैं अंदर से जिंदा था, झगड़ो उसको और तेजी, पीछे हट ना रहा जल्दी, मेरा जिस्म मर गया था खाली, हट जल्दी पीछे, झगड़ो उसको और तेजी झगड़ो, मेरी रूह जिंदा थी इसके आग में, ये अल्लाह कैसे करो भाई, मेरे हाथ में एक सपड़े जी, एक में एक, झगड़ो उसको और तेजी झगड़ो उसको, मैं इतने से यकीन नहीं समझा था,
क्या समझा था तू? पढ़ो हकाल रहा समझा था ऐसा ऐसा समझा था पढ़ता रहता हकाल रहा था उसका क्या है? जिस दिन लहर में आगा ना भाई देख उस दिन फिर ऐसा हाल कर देता हूँ। क्या कारना पैसे जमा कर कर सोचा था भाई ऐसा सोच रहा था तू खाली साहबों के जैसा समझा था दो लाख लेके कार खरीदने वाले वैसा देखा ना जिस दिन लहर में आ गया उस दिन ऐसा हल करा देता हूँ पकड़ के टुकड़े पूरे झगड़ो उसको और तेजी से। नहीं सर कुछ भी नहीं बोलता सब गलती था ना एक मौका बच के भाग बोल के सोच रहा था फिर भी तू नहीं काट सकता क्या नहीं बोलूंगा। अच्छा उसके ट्रेले में तूने ऐसा समझा था मेरे को तेरा मैं इम्तिहान ले रहा था क्या बोल के तू काट सकता सही भी साहब भाई के हाथ में इतना दम है इतनी ताकत है सोच रहा था मैं। अच्छा ये अल्लाह ने दिया ये बात है सही भी साहब लोग कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सोच रहा था मैं साहिबा ने करते ये जिसको अल्लाह ने ताकत दिया सिर्फ उन्हें करता बाकी कोई नहीं करता बाकी सब शैतान का मार खाते जिसको अल्लाह ने ताकत दिया उसका मार खाता जकड़ो उसको और तेजी से छोड़ा रे कौन तो भी छोड़ो मत उसको जकड़ लो और तेजी जकड़ो उसके हाथों को कौन तो मदद करो जी मेरी जकड़ो और तेजी से कौन तो मदद करो रे मेरी दूसरे साहब को जैसा समझा रे करते दो लाख रुपए लेते दूसरे साहब को तो समझाता करते मैं लेकिन कारण गाड़ियों में फिरने वाला मेरे को अरे नाला है 16-16 घंटे बैठ गया मैं अल्लाह के करम से लोगों की खिदमत कर रहा हूँ खाली अल्लाह के वास्ते 16-16 घंटे कोई नहीं बैठता 17 घंटे 16 घंटे। हाँ तो देख काम करा साहेब मेरे को मालूम पड़ गया तू तू नए आदमी है जकड़ो उसको और तेजी जकड़ो तू खुदा के लिए कर रहा खाली तू नए आदमी इसलिए तो मेरे को भेजे वाली भेजे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है मेरे को मैं तो समझ रहा हूँ तू लोगों से लोग आते क्यों नहीं जाते क्यों नहीं मैं अल्लाह के नाम पे बैठे आ रहा हूँ खाली बस इसके यहाँ से वली भेजे मेरे को इधर कौन से वली भेजे तुझे बंदा नवाज सैलानी बाबा क्यों भेजे फिर देखा ना लग कर हमसे सैलाजी बाबा भेजे मेरे को जकड़ो उसको और तेज जकड़ो लोग जजाए खैर नहीं दे सकते लोगों का निकालने के बाद झूठे मुंह से सलाम तक नहीं करके जाते मेरे को बराबर सिर्फ अल्लाह के वास्ते कर रहा हूँ ये सब अल्लाह जजाए खैर देने वाला तेरे को जन्नत नसीब होने जकड़ो उसको और तेज जकड़ो तेरे को 100 साल की हयात कोई बात नहीं सुनता मैं छतर को तेरे को जन्नत नसीब होने साहब तेरी कोई बात नहीं सुनता मैं कोई बात नहीं सुनने वाला तेरी जकड़ो उसको और तेज जकड़ो जो बोले कबूल करता अल्लाह उसका पानी पी रही थी पानी ना रही थी बार बार ऐसा समझा था रे मेरे को नालायक अल्लाह करम से देखा एक बार तेरे को ढील दे दिया था मैं आसानी से जा बोल के छोड़ा था जब नहीं गया फिर अब जकड़ने लगा तू जकड़ो उसको और तेजी जकड़ो बताओ उसको ताकत अल्लाह करम से मैं लोगों से जजाए खैर लेते हुए निपट आ रहा हूँ लोगों से कुछ लेना देना नहीं मेरे को अभी तो ना लाया अभी तो तेरे को संजीना डालने वाले लोग बुला रहा हूँ अभी तौक डालने को गरम करके गरम करके सीघा ला के ठोकने लगा हूँ तेरे को बुलाऊ अंधार के सीघा मंगाता हूँ गरम करके बहुत पावरफुल है दिख रहा तू जंजीरा भी मंगाता हूँ गरम करके और वो भी सलाखे मंगाता हूँ गरम करके डालने लगा तो तेरे आंख पे डालूं ठोकने लगा सलाखे सबसे माफी मांग मैं जाता हूँ सबसे माफी मांग के चले जाता हूँ मेरे पे एक औरत की तलाश थी इसलिए बैठा था मैं बाप का तेरे रात चल रहा था दोबारा आप दिखना नहीं मुझे कभी अब क्या करना वो सोच रहा हूँ जाने दू के ना को जाने दू तेरे को छोड़ दूंगा तो फिर तू डबल से आएगा आंख पे उसके मेरे को भी मालूम मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा सब तेरे कुछ मालूम आएगा रिटर्न क्या तो जकड़ो उसको और तेजी जकड़ो लाओ सलाखे गरम करके लाओ इसके अंदर चुकाओ लाके पूरे सलाखे वो तू पूरा दे दे मेरे को जलाने का इल्म दे दे मैं जले जाता हूँ क्या करता तू जलाने का इल्म वो पूरा दे दे मैं जले जाता हूँ कुदरत की तरफ से मिले आला है इसको भी थोड़ी जलाने आता हो इसका भी थोड़ी हुकुम मानते हो हुकुम देने वाले को जमीन में गाड़ देंगे वो आता चार लीबू देता खाली चार लीबू लेकर क्या जाने वाला क्या मैं बोला था ऐसा सोचा था चार नींबू लेके क्या हूँ बोल के 10,000 भी ले रहा चार नींबू जाना तो खाली कुछ भी रहा तो उससे ऐसा सोचा था तुमने जकड़ो इसको और तेजी जकड़ो इसको जरा बताओ इसको बताओ दस आया मौका दिया था तेरे उससे पहले बच के भागने का मैंने उससे पहले भी तेरा सवाल जवाब करा था मैंने ना आया
उसके बच्चों को भी मार रहा था, उसके बच्चे धमकिया दे रहे थे मेरे पास लाने के। तो बात घड़ी घड़ी एक बोल रहे थे टिप्पू बोल करके मार ले जा, तू देर को बोल को बोल रहे थे, छिड़के मार रहा था, छिड़के मार रहा था बार बार तेरा नाम ले रहे थे मैं नक्को बोल रहा अच्छा नहीं है तो साहेब बोल रहा था, फिर भी उन्होंने वही बोल रहे थे, आइडिया कर रहा था मेरा नाम की बुराया कर रहा था। हाँ अच्छा नहीं है तो साहेब बोल, झगड़ो उसको और तेजी, झगड़ो उसको, अल्लाह के बंदों को जुलूम दे रहा हो, झगड़ो उसको और तेजी से। अब नहीं कर पसंद, मैं कोई बदमाश कभी ना हूँ, एक औरत के वास्ते करा खाली इतना सब कुछ और किसी के लिए नहीं करा मैं। और क्या कर रहा था तू? उसको डरा डरा था, तू डरा डरा को मैं को मार रहा था, मैं उसको डरा डरा को बाहर निकाल रहा था। क्या बोल के? जल्दी जब आ जा और तुम आ जाऊंगा, तुझे ऐसा कर तू, तुझे वैसा कर तू, एक घबरा को भाग जा रही थी, खाना मत खा, ये रखो खा, वो रखो खा, अटक जाता था, फंस जाता था कुएं में, खाना खाना होता था, मैं डरा देता था उसके मर्द को जाना, उनको रोज दिन रात झगड़ा कर रहा था, जितनी देर कोशिश हो सकी उतनी पूरी। मैं हार गया रे, बड़े बड़े बादशाहों को तेरे जेर कर दिए तो तेरी क्या मिसाल है ना लायक, देखा ना तेरे कौन भेजे, तो कौन भेजे तेरे को यहाँ पे, तू सच्चा है पर उनको भेजे बंदा नवाज, और तू इधर के रास्ते को नहीं आने दे रहा था उसको, छोटे बात कर करके भगा रहा था दूसरे तरफ, शायद पैसे लेते हैं, शायद ये करते हैं, बोल के जो नहीं पहचान सकते वो साहब के पास लेके जा रहा था वही। अच्छा, जो साहब को कुछ नहीं आता उधर जा रहा था, तो इधर के रास्ते से कट करने के वास्ते इधर रहा हूँ, इधर आना नहीं, मेरे को पहचाना नहीं, मेरे को निकाल, मैं जा रहा नहीं यहाँ से, इसको ले गया तू, ले अकेला ले जाना, मैं बोल को ये सोच रहा था साथ में ले जाने वाला था, कब मार रहा था, कब मौका मिला जाओ उसको कमजोर कर, जैसा तू मेरे को मार रहा कमजोर कर करके वैसा, देखा ना मैं डरा डरा के, डरा डरा के, डरा डरा के, डरा डरा के ले जा रहा था उसको, डरा डरा के कमजोर कर करके, डरा डरा के, देखा ना यहाँ कैसी मार पड़ी, तो अल्लाह करम से जीना हराम कर दिया था भाई, देखा ना शुवार कर दिया था जीना, पूरा भस्म कर देते ना यहाँ के, पूरा भस्म करते, जरा भी नहीं छोड़ते, जलाओ उसको तेजी, जला दरवाजे से आग लगाओ उसकी तेजी, जलाओ उसको, जलाओ उसको, और तेजी से अब गरीब नवाज का क्यों नाम ले रहा तू, उधर रहम करते बोल, जालिमों के ऊपर रहम नहीं करता अल्लाह, तो फिर गरीब नवाज कहाँ से रहम करेंगे ना लायक, जलाओ उसके, बताओ उसको, भेज भी करता, जलाओ तेजी, जलाओ उसको, जलाओ हाँ तो जलाओ उसके, तेजी जलाओ, लगाओ उसके अंदर, ले पानी होना, देखो देखे पानी से आग लगाओ, डालो ये पानी से आग लगाओ, तेजी से आग लगाओ उसके अंदर, जलाओ पावन जल रही साहब, और जलाओ तेजी, जलाओ साहब मेरे पावन जल रही साहब, वहां से जलाना चालू करते ना तेरे पैरों से, जलाते जलाते पूरा लाके भस्म करते साहब मेरे पैर जल रही साहब, पैर से जलाना चालू करते उसको, तो लाते लाते तेरे पूरे सिर तक लाके भस्म करते थे ना लाए, जलाओ उसके पैर, जलाओ जलाओ उसको, आग लगाओ तेजी से, कुछ भी नहीं साहब, अंदर रुई है खड़ी कपूर से, पूरा जला के राख करता हूँ, जलाओ उसको तेजी से, पहले पोस्टमार्टम करा सा, अगर अब तक कुछ भी नहीं काबू से, इसलिए मैं सबको देखो ना, लगाओ कर लगाओ, अभी शैतान निकलना चालू, और तेजी झगड़ो झगड़ो, इसलिए सबको देखता था इसके साथ कैसा चलती, इसका ये कैसा चलता, ये बोलते जाता था खाली भाई, छोड़ दे साहब, बुझा दे साहब, अल्लाह बुझा दे, अल्लाह अल्लाह बुझा दे, अल्लाह अल्लाह मेरे पर को कर, अल्लाह जलाओ जलाओ और तेज जलाओ उसको, जलाओ नहीं बुझती हूँ, लगा पूरी ताकत लगा, लगा बुझती है, देख पूरी ताकत लगा, लगा पूरी ताकत, कमीने शैतान, वो ताकत समझ रहा था तेरे पास, ताकत सबसे बड़ी अल्लाह के कलाम की ताकत,
कोई मिसाल नहीं तुम्हारी ना लायक। अब मैं हार गया रे टीपू सुल्तान, मैं हार गया रे। अब चले जाता हूँ, कभी कभी जाता था। कर दू भसम। हाँ कर दू क्या भसम? बच्चा थोड़ा पहले तो मैं मर गया था, बच्चा भी तो तुम्हें जला दिया मेरे को खतरा। बोलो क्या सुलूक करा तुम्हें? इससे पहले के राउंड में मौका दिया था बच के भागने का। मैं खुद पहले तेरे को आज मारा था। मैं क्या आज मारा था? तू कर सकता कि नहीं? मैं फिर कर सकता कि नहीं? अब देख क्या देखा? तू कर सकता सही, तू जला सकता। देख लिया ना अल्लाह ने दिया ली ताकत दे हूँ तेरे बड़े बड़े बादशाह हूँ जला दिया मैंने तेरी क्या भी साथ पूरी दौलत ले ले मगर निकाल दे अल्लाह इसके पास के पूरा घर बेच दे इसका। कहाँ गाड़ के रखा था तूने दौलत? थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा बैग में निकाल कर रखा था। जमीन में भी गाड़ा था सोना खदा ना? नहीं हर पैसे सब के हड़प लिया था मैं, इसलिए बारह लोग रात को 12 बजे बहुत पैसे हड़प लिया था। अलमारी में रखता था घर में ला के। आज पैसा मेरे गाँव के आया हो जलाओ स्वार तेज से आग लगाओ उसके अंदर जलाओ बताओ उसको अल्लाह के कलाम की ताकत उसमें। बाहर जाने का रास्ता किधर है बता? नहीं भाग सकता ना तू? ऐसा करो टुकड़े। नहीं हाँ करो टुकड़े। नहीं कहीं तक भी भाग तू दुनिया के कौन से भी कोने में जा वहां तक रेंज आती। अल्लाह के कलाम को क्या बोलते तो दुनिया के सातों जमीन सातों आसमान में कोई नहीं रोक सकता। कहीं तक भी आप पहुंचता अल्लाह का काम। आई अकल ठिकाने को आप अल्लाह को तक नहीं मानता था। अगर अल्लाह को मानता होता तो ऐसा बुरे काम करता था क्या? बच्ची को आजाद कर सही तरीके से कलमा पढ़ उसके बाद तेरे हक में दुआ करेंगे। पढ़ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज से मैं बच्ची के जिस्म पर बोल ये बच्ची के जिस्म पर ये बच्ची के जिस्म पर नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा ये न्याता ये कभी नहीं राड पर न्याता ले सरगा में फिर रही इधर फिर रही उधर का पानी पी रही इधर का पानी पी रही इधर गाँव का पानी पी रही यासीन पढ़ रही वो पढ़ रही साहिबा ये साहिब को तेरे को पकड़े जा से छोड़ रही गई। फिर अब कर रहे नमः संते को तो कभी ना बुड्ढा बहुत बदमाश है इसका। कौन सा बुड्ढा? इसका भरत कभी ना छोड़ा नहीं मेरे को पैसे गरीब है गरीब है गरीब है बोलते बोलते फिर भी हाँ लेके जा रहा हूँ गरीब है बोलते जा रहा फिर भी लाते जा रहा। मैं सौदे में खर्चा कर रहा था पूरे पैसे इसके ये लाओ वो लाओ ये लाओ वो लाओ गोश्त वाला वो लाओ ये लाओ बोल के पैसे खर्चा कर दे रहा था रे। टिकटों को भी नहीं रख रहा था। टिकटों को भी नहीं कुछ भी नहीं। अब तो गाड़ी में से गिरना बोल को सोचा था मैं ट्रेन में से वो भी ना कहा मेरे को जकड़ लो इसके हाथों को तेज जकड़ो और तेज जकड़ो। नहीं बुझती हुआ कितनी बुझा नहीं कुछ कर जितनी बुझेगा उतनी भड़कती हो बुझा बुझती क्या देख बुझती तू क्या रख ले बेटे आग लंदी दिया लिए ना तेरे जैसे जालिमों से बदला लेने का दे दिया लिए बोल इंसानों को जुलूम देने आ लोगों मैं जान पूछ के नहीं दिया रे मैं जान पूछ के नहीं दिया किसको सुल्तान नहीं अचानक आ गया भाई इंसानों की दुनिया में तेरा और आज आपको झूठ से रहता था खाली भाई जिन्नातों की दुनिया में जाकर मुझे इसलिए आया फिर छोड़ देना मेरे को छोड़ू हाँ बुझो वहाँ वो सब हाँ बुझा के साथ हाँ तेरे पत्ते फिर तेरे क्या होना बोल मैं देखू तू मेरा गुलाम बन करेगा पीछे हटना ला
गुलाम बन के रहना मेरा। मेरे तेरा में गुलाम नहीं बनता, किसका अपने बनता, मैं तेरा में चले जाता वापस। जाता मेरे मेरा आत्मा को शांति दिला। चल मेरा आत्मा को चले जा, कोई औरत मिलने वाली नहीं मेरे को, क्या करने मेरे को मालूम पड़ा। तुम चुप, तकलीफ देने का काम आई है तुम। देखो औरत हो ना, जिन्ना तो दुनिया में जमा मिली तुझे नहीं, तो फिर क्या बोलते तो? एक बार दुआ तो कर मेरे हाथ में। ठीक है जा, अल्लाह क्या बोलते तो तेरी रहम कर, बोल अल्लाह तेरे ऊपर रहम करम का मामला करे, और गुनाह को बख्श दे, बोल करे गुनाह को भी बख्श दे। जो भी दुनिया में गलती करा था, इसके पैसे जिसे हड़प लिया था, सबको माफ कर दे, वो सब अल्लाह माफ करा देगा। और उसके साथ साथ क्या बोलते तो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़। अच्छी बात है भाई, पढ़ दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदि व सहाबिही व बारिक व सल्लम। सलातु वस्सलाम अलैका, सलातु वस्सलाम अलैका। और यहां तो साहब, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जाहिल हूं साहब, मैं जाहिल हूं, तो मेरे को पढ़ाना सिखा रहे हो फिर? मैं पिछड़ा देखता था खाली, गाना को क्या बोले? नहीं नहीं जल्दी बोल, गाना गा तू। मैं पिक्चर खुद देख, इनकी सही तरीके से रहता था, रोजे ज़कात हज सब करता था। अब क्या करूँ सुन तो, अब क्या करूँ, मैं तो चला गया, तो अब क्या करूँ सुन तो? कुछ नहीं, अल्लाह से दुआ करेंगे तेरे रास्ते में मसरत की। और दूसरी बात, बच्ची को आजाद कर देना। ए जा रही कमीनी राड, आजाद कर दे, आजाद कमीनी कुत्ती, उसको गालियां दे रहा मैं। ए राड था, अच्छा करता था बेचारा, मर गया कहीं को बोली रहम करी मेरे ऊपर, इसलिए मैं आ गया। उन्हें तेरे मैयत में आके वैसा बोली बोली तू। हां ये अच्छा खासा था, अभी शादी थी, मर गया। उस वास्ते तू चिड़े के लग गया था उसको। हां हां, उन दुआ पढ़ के नहीं आई थी मैयत में? नहीं आई थी, खाना खा रही थी, खाना खाते खाते आ गई। सब जने मेरे को अच्छा नहीं है बोल रहे थे, मेरे से दूर भाग रहे थे। अच्छा वहां मर गया, तो चोर था, डाकू था बोल रहे थे, मगर वो औरत को नहीं मालूम था। और रहम करी मेरे पर। क्यों, जब वजू में नहीं थी? वजू में थी, साफ थी, तहारत नहीं थी। हाँ तहारत तो दुनिया का पानी फेंकती हूँ, दुनिया का पानी। उसको मैं सामने ठहरी थी, एकदम घबरा गई मेरे को देख को। अच्छा था आदमी, मर गया बोली, मेरे को तेरी तारीफ करी। हाँ, मैं पसंद आ गया होगा, समझा मैं इसको, मैं ये पसंद आ गया होगा, अच्छा नहीं होगा, लग रहा होगा उसको, बोल के मैं आ गया। चल अब क्या बोलते, क्या सुलूक करना तेरे उसके मरज जुर्म में? थोड़ा झगड़े बहुत होते थे उनके घर में, तुझ लगा रहा था वो भी पहले थोड़ा। नहीं पूरा 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 मेरे से निकाल ले रहा, भाता निकाल ले रहा। बेटा किसके सामने देखा ना, ऐसा समझा था क्या साहेबान को? ऐसा समझा था मैं, उसे निकले हली है बेटे, देखा ना कैसी ताकत दिया अल्लाह ने। तो अच्छा करा बा, निकाल छोड़ दे टीपू सुल्तान। क्या करना, तेरा नाम बहुत पसंद है मेरे को, टुकड़े टुकड़े करा दी। सही है टीपू सुल्तान, तेरा नाम बहुत पसंद है। ये औरत भी सैयद खानदान की है, इसका बाप का नाम सैयद निजामुद्दीन है। ऐसा जुलूम दे रहा तू? उसका बाप बहुत लेख था, कुरान का हाफिज है। देखो का तो जुलूम दे रहा हूँ लोगों को, जकड़ो उसका और जलाओ। कुरान का हाफिज था उसका बाप, जलाओ उसको तेज जलाओ। सिवाय अल्लाह की सिवाय कोई काम नहीं करता था, इसी बेटी के पास आया था, मेरे को क्या मालूम था। आज आके मैं खबर में दुआ कर रहा हूँ अपने बेटी। बहुत पढ़ता था खैर, कुरान का हाफिज था रे वो। इबादत में बनना था मेरे को, क्या ऐसा बड़ा बन के क्या मतलब का हुआ तेरा? मर के फिर लोग डरना देख के, ये क्या नासिर अहमद है, क्या है डरो से ऐसा? फिर आप क्या हुआ आलम?
क्या नासिर अहमद खान है। अब मरने के बाद बुरा हाल होगा ना तेरा। मेरा इज्जत रमा। इस वास्ते बोले आला है कि दुनिया के पीछे मत भागो, आखिरत के पीछे भागो। हाँ, दोस्ता इबादत का मर्तबे में बुलंद मर्तबा करता था, नमाज पढ़ता था, बोलता था पेश इमाम साहब से ज्यादा मैं नमाज पढ़ूंगा, उनसे पहले मस्जिद में पहुंचूंगा। तो आज ऐसा आलम नहीं होता तेरे साथ। मेरे को कोई नसीहत दे दे, मेरी मार क्या हुआ तेरी दुनिया की दौलत दरी की दरी रह गई, चलेगा ना दौलत छोड़ के दुनिया की। दौलत थी मेरे पास, अब क्या हुआ तेरा आलम, अब तो निकाल ले दौलत। देखो नहीं होना तेरी दौलत, क्या करने का, हराम की दौलत बड़ी बहुत है मेरे पास। बोल वो कभी नहीं राड रही, मेरे को नसीहत दे दी, मेरी मां राड रही थी। किसी को दोष मत देना लाया, खुद के हाथ में रहता अमल सब तेरे थे, वो तुझे सजा दे रहे। एक वक्त आ गया भाभी मेरा इतना पूरा, मैं मरूंगा उनको नहीं मालूम था मेरे को अभी तो। लिया ये सब रिकॉर्डिंग उसके बाद दुनिया वालों के वास्ते इबरत है वो। दुनिया के पीछे भाग रहे, दौलत कमा रहे, तुम्हारी दौलत धरी की धरी रह जाएंगी, पट करके मौत का फरिश्ता आएगा, कब लेके जाएगा नहीं मालूम। ऐसा आवा मुझेगा बाद में, फिरना पड़ेगा भटकते हुए, आजाद में गिरना पड़ेगा। अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो, आखिरत सवार हो, सबकी हुकूक अदा करो ज्यादा से ज्यादा। मेरी बहुत लंबी कहानी है, मेरे को छोड़ दे, मेरी बहुत लंबी कहानी है छोड़ दे। ऐसा आलम हो जाएगा बाद में, तू ये तो भी भटक रहा है, मगर तुम तो वहाँ आजाब में गिरेंगे। अल्लाह ये क्या है, ये तो यहाँ भटक रहा था दुनिया में, इसकी बदरूप पकड़ लिए इसको, पैसा की वजह से मार दिए। इबादत करता था, जिक्र अस्कार करता था दुनिया में ज्यादा से ज्यादा, तो कई उसके साथ ऐसा खुद ही चुने उसके मुँह से बोल रहा ना, सुनो क्या क्या बोल रहा हूँ। अगर मुझे इतना मालूम था तो पूरा मैं पैसा कभी पैसा नहीं कमाता था, कभी पैसा नहीं कमाता था, कभी पैसा के पीछे नहीं भागता था, अच्छे लोगों में बैठता था मैं, अच्छे लोगों में बैठता था मैं, अच्छे लोगों में बैठता था मैं, अल्लाह को याद करता था मैं, उसके रसूल को याद करता था मैं। विश्वास ए दुनिया के पीछे नहीं भागना, दुनिया वालों को सबको इबरत है, लोग बहुत दौलत 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 के नशे में माँ बाप को भूल जा रहे, भूल जा रहे, सबके हक अदा डुबा दे रहे, आज नहीं तो कल तुम आओ क्या है, तो भुगतना तो पड़ेगा। इबादत करो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की, क्या करना है तेरे साथ सुलूक बोला। हाँ चल छोड़ने का एक मौका दे देते, इससे पहले भी एक मौका दिया था मैंने, ये फुल एंड फाइनल है तेरा आखिरी मौका रहेगा, इसके बाद तो पूरा भस्म कर दूंगा, देखा ना कैसी आग लगी। तो चलो खोल दो इसे, तो निकाल दे बस खाली, निकाल रख दो, चलो खोल दो इसकी जंजीरा, मेरे को मेरे आसपास को शांति दिला बस, चलो खोल दो, अब तुम छोड़ के इधर आ जाना पड़ेगा, मेरे पास तो नहीं तू बन जा मेरा गुलाम, मेरे को छोड़ दे। चल बोल मैं गुलाम हूँ बोलना, दिखा ना तो फिर क्या करता हूँ तेरे साथ, सुनो देख लिया ना, अभी खोलो इसकी जंजीरा, खोल दो इसकी जंजीरा, खोल दो अल्लाह करम से खोल दो, खोल दो खोल दो, खोल दो उसकी जंजीरा, खोलो छोड़ दो उसकी आँख को, आज़ाद कर दो उसको, उसके कब्रस्तान में ले जाकर डालो उसको, जहाँ से आदम पकड़ के, नहीं तो उसको कैद खाने में डाल दो, ज़्यादा परेशान कराऊंगा। क्या नाम है तुम्हारे बीबी का, क्या नाम है? नूरजान। ओ नूरजान बेगम, चल भाग जा, खोल दे सारे जंजीरा, देखा ना कैसे जला ले, तो जलाल में नहीं लाना मुझे कभी, बाद में तो पूरा भस्म कर दूंगा। बख्श दिया मंजिक दास्तान सुन के वल्ला करम, क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं बोल सकता। अरे क्या हुआ, ऐसा कहीं गिर गया गोद लेके आई है? हां क्या हुआ, उड़ो उस सिर पे सीधा बराबर, मैं कहा बच्चे बच्चे में है, बच्चे के में था, यहां कस के आ गए। क्या देखो इधर क्या हुआ।
ये कौन है? कौन है तुम्हारे साथ में आया? वो ये शोहर है साहब हमारे। तुम्हारे शोहर है वो? अच्छा, क्या हुआ तुम्हारा? शादी नहीं हुआ था, थोड़ा साहब में आई थी। अच्छा, अब यहाँ कब पहुँचे तुम? यहाँ कब आए? थोड़ी देर बाद, 5-10 मिनट। 5-10 मिनट हो रहे, रात के 12:30 बजे रहे ना, दूसरों का भी टाइम खा लिया तुमने सब। आंग में आया था नौ शैतान, घर में बच्चों को मार रहा था करते, आंग में आके यहाँ लेके आने का बोले कि मैं डर रहा था, बच्चे डरा रहे थे, चल साहब के पास ले जाते ऊपर, क्योंकि बच्चों को बंद करके कमरे में मार रहा था करते छड़े उसे। हल्का होगा दस था माफी मांगा बोल के छोड़ दिया उसको। और उस कौन ने भेजे थे? बंदा नवाज ने भेजे थे, बोलते तुम अंदर कब गए थे? क्या बंदा नवाज साहब, मैं वहीं जाती थी, जब फिर वहां से वहीं जाकर जा रही थी, सो जा रही थी, आवाज को कुनी को वहीं जाके बैठ रही थी। तो बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इधर भेजे, बोलते सब पता के रास्ता वो क्या कर रहे हो, उसमें दिमाग में डाल लिया, ये वो देखो 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 दूसरे नहीं आ रहा, जहन में डाल के रख भेजे। अब मैं सिंगल हूं तो मैं डबल थी जब से, ऐसा हो रहा था मैं कोई तो हयात दर के सता रहा, अगर कोई बोल रही बोल तो ये मत करो मत करो। अब हल्का लग रहा है। इससे पहले के राउंड में क्या बोला था हमने? जब आया था तो कुछ मौका दिए थे बच के भागने को। सुबह जब आया जैसे तो क्या बोला कि हमने जैसे कि सबसे पहला राउंड उसका दाले वाला है ना यूट्यूब पे। हाँ है साहब, वो भी देख लिया मेरे भाई ने उसको। तो वो क्या है उसमें बोला कि जा रहा हूँ ठीक है जा, क्या बोला बाद में? ऐसा समझा था बोले मैं तुम्हारा, अब कैसे मारे उसको दन के दिए, अब देखो अभी ये वीडियो में कितना मार पड़ी उसको, और जलाना चालू कर दी थी उसको, पैर करने से लेके सब जांग लगा दी थी पूरी इच्छे से भस्म कर। जब से मेरे को कब कब आ रही थी मैं पानी मारने को, फिर बाद में जब से मेरे को थकी पड़ने लगी थी, गरम भाप अंगार में, अब ठंड हो रही, पहले आंग पूरा गरम होगा, गरम कोई जला दे रही मेरे को अंदर, पर आंच लगी आजू बाजू सब आंच लगी मेरे को, पकड़ रही गंजरा में, कोई तो तुम बोल रही है उन्हें पकड़ रहे मेरे को, ऐसा हो रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ सब झूठ है निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर फिर भी पकड़ में अंदर हुए। कैसा लग रहा? अब हल्का दिख रहा, जब से था अंदर मेरे को डर, घर में रेस नहीं, घबराहट घबराहट घबराहट। अल्लाह कलाम की ताकत है, सब साहब भगा दिए, पूरे ओला फिर जैसे साहब पूरा पैसा डाले एडमिट करे, लाखों रुपए बर्बाद हो गए, मगर कहीं फायदा नहीं हुआ। यहाँ कैसा आया गुन? इधर भी बोल रहा था जो नकुजेंगे तो भी अच्छा नहीं है वो साहब, टीपू सुल्तान अच्छा नहीं है। वो फोना में क्या झूठ भी बदलते है, उसका क्या है फोना में? ऐसा बोल रहा था फोना में क्या है, सब साहब बोरा ना, मेरी तस्वीर भी देखा तो डर रहा था, अभी ना तो बड़ी तस्वीर करके लगाने ज्यादा होशियारी करा की दन बोल के दन का देंगे उसको, फ्रंट डोर के इधर लगा सामने, एंट्री मारते तो सामने हो रहा ना, बोला घुसते तो देखे की भाग जाते वापस। अब कल को बहुत मार पड़ी, अब तो उसको तो कमी ना था, हम जाके 1 साल हुआ था 2 साल हुआ मैं, फिर भी सब पूरे औरतें जा रहे थे मैयत ही, फिर भी मैं भागी था, अच्छा नहीं था। तुम क्यों झूठा खाना खाते खाना छोड़ के भागे थे बोलते तुम? हाँ, उस वास्ते लगा हो तुम, बच्चों को खाना खाते 3 बजे के टाइम भागी थी मैं। मट्टी डालने के बाद हमजाद भी दब जाते साथ, उसके बाद रूह को फरिश्ते लेके जाते, ये शैतानी हमजाद रखा बैठे अल्लाह, जो कि बोले अल्लाह हदीस में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर इबादत करेंगे तो तुम्हारे साथ जो शैतान पैदा हुआ उसको बेवकूफों सुनो, मेरे को कमेंटों में बोल रहे मरे वाला इंसान कैसा लगेगा, मरे वाले इंसान की तो रूह लेके चले जाते फरिश्ते, और उसके साथ हमजाद को भी दबा देते, मट्टी जब डाल देते पढ़ के मिन हा खलकनकुम फी हा नुइदकुम व मिन
منحا نخرجكم تارتا اخرى, بلکہ مٹی ڈال دی ہے خبر میں کہ ساتوں حمزات دب گئے. اب خبر کے اوپر بیٹھتا آگے کا جس میں جو شیطانی وسوسے والا حمزہ درتا, جس کو اللہ نے حدیث صاحب کے ساتھ ایک شیطان پیدا کرا لیا گیا, وہ تو وہ بعد میں کیا کرتا, گنہگار کا طاقتور رہتا اور نیک انسان کا کمزور رہتا, اور نیک انسان کا جو کمزور رہتا تو اس کو فرشتے آ کے قتل کر کے چلے جاتے, ختم ہو جاتا, اور گنہگار کا خبر پہ بٹھا رہتا چڑھ کے, پھر وہ سب لوگوں کو پریشان کرتے جاتا, انہیں جاتا کہ آنگوں میں جاتا. ہاں تو اس کو جکڑ کے جلا دینے کا ختم کر دیتا, کر دیا اس کی پوری داستان, بہت مار پڑی اس کو, بھاگا انہیں جلا رہے تھے اس کو. اب کیسا لگ رہا؟ کچھ بھی نہیں لگ رہا, میں دکھ رہا ہے کہ باتھ روم میں بھی گئے تو کوئی آدمی دیکھ رہا میرے کو, ایسا دکھتا تھا کیا تمہارے سے؟ لکھ کے شیطان نکالنے کے 1-2 لاکھ روپے کچھ ہاؤ, لیے کچھ پیسے لیے؟ نہیں, ایک پیسہ لیے نہیں, خالی اپنے خالی اپنے لکھ کے دیے, وہ سامان لا کے پڑا کے گھر کو لے جا کے چلائے تم نے, یہ منگی نہیں, پیسے آسٹا کے پیسے منگی نہیں, اتنے بار آئے, چار بار آئے میں آسٹا کے, رقم ہو گیا, مگر وہ بول رہا تھا اندر سے میرے کو ایک پیسہ منگی نہیں, نکو جو اچھا نہیں ہے سایہ, اچھا نہیں ہے سایہ, پھر پورے پیسے لوٹ لیتا, کیا ہے 10,000 کا کھیل ہے کیا بچہ, مزاق ہے کیا؟ نہیں 100-200 روپے لیتی, کوئی بھی اتنا لیتی کیا بول کو, میرے کو ایسا اندر خیال آ رہا تھا, میرے کو معلوم تھا پیسے نہیں لیے صاحب, خالی اتارا کرنے کو دیے خالی, مگر میرے کو اندر سے ایسا آ رہا آواز, داستان دیکھتے تو دعا پڑھو, ایتھے کریمہ پڑھو, درود شریف پڑھو, قرآن کی کوئی آیات پڑھو, کلمہ پڑھو, تو نزدیک نہیں آتا تھا ویسا بولنے کو, ایک دم نزدیک جا کے اٹھے ہی وہ عورتیں بلا لے کے گئے میرے کو, پہلے راؤنڈ میں کیا بولا تھا اسے, پہلے راؤنڈ میں چلے جا رہا بولا, چلے گا تھا ایک مہینے کے بعد لاسٹ میں آیا واپس پلٹ کے, اس کو مارو, اس کو دھکے دو کہ اس کو ختم کر دے, تب دوسرے سے دکھا, اتنے گندے گندے خیال, کچھ نہ نے باتھ روم میں بھی گئے تو کوئی ایک آدمی کا سا دیکھتا میرے کو, وہ ایسا دکھتا تھا جلدی ایک دم گھبرا کے باہر آتی تھی میں, چلو ہوگا نا, اچھے بول رہا, کرم سے عبادت کرو, زیادہ سے زیادہ نماز وہ پڑھو, قرآن وہ پڑھو, سب ٹھیک ہے, چلو آدم میرے لیے آنے کا ہے, میرے کو بھی آنے کا ہے لکھانے کے لیے, اب آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا, نماز پڑھنا, عبادت کرنا اللہ کی, اور گھر میں خوشبو عطر وہ سب بھی لگاتے جانا, یہ اگربتیاں وغیرہ اور رحمت کی فرشتے, باہر جا سکتے مگر ابھی کچھ دنوں کے بعد, ابھی کچھ دنوں تک رکو, ابھی گڑبڑی مت کرو باہر جانے, ٹھیک ہے, چلو کیسا لگ رہا, جاؤ لنگر میں جاؤ, کھانا کھا لو, کھانا نکلے والا لنگر میں, سب لوگ ان کھا لیے, باقی کے زبان پیٹ میں گئی.